हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। आज मैं जा रही हूँ, तो देख सकते हैं सामानों को देख करके आप गेस लगाइए कि मैं क्या चीज़ बनाने जा रही हूँ। तो बढ़ते हैं। सामग्री सब है, आप देख सकते हैं। मैंने इधर कढ़ाई गर्म कर लिए हैं, इसमें मैंने रिफाइंड वाल डाल दिए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करूँगी, देख सकते हैं। सबसे पहले आप जीरा ऐड कर ले। जीरा के साथ में दो मिर्ची का कटी और लहसुन अदरक का पेस्ट कद्दूकस किया हुआ मैं डाल करके इसको अच्छे से भून करके आप इसी तरह डालें और इसे भूने देख सकते हैं। तेल गर्म हो चुके हैं, आप देख सकते हैं अदरक चुके हैं, अच्छे से पक चुके हैं। बस जीरा मिर्ची मैं उसको जो प्याज कटने में कर लिया है उसको मैं इसमें डालूँगी। डाल सकते हैं उसको अच्छे से आप चला सकते हैं। मुझे बता सकते हैं हल्का सा मिल जाएगा। तो मैं इसे टमाटर ऐड करेंगे, देख सकते हैं हल्का हल्का यह भून चुका है। गर्म नहीं है, इसे भूनने में इसमें भून के इसी तरह नहीं रखना है, देख सकते हैं ठीक है। इसको भी आप अजीब चला लें, मैंने चूड़ा लिया है पोहा या चूड़ा, एक कटोरी कलर में मैंने चूड़ा लिया था, देख सकते हैं। फिर मैंने दो चम्मच कलर का मैं इधर पानी ऐड करके इसको मिक्स करूँगी। आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से भून चुके हैं, प्याज भी भून चुके हैं। मैं इसमें मसाले का ऐड करूँगी, दो चुटकी जगह मैंने मिर्च ऐड किया है। आप देख सकते हैं कि मैंने हल्दी पाउडर डालूँगी, अभी जो चुटकी के लग भाग है अभी मैंने डाले हैं। नमक ऐड करूँगी, काला नमक का दो चुटकी के लगा है। चट मसाला मैं इसको मिर्च लगा ली है, क्योंकि इसमें चट मसाला कुछ लगा बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। और एक सफ़ेद नमक है, लगभग दोनों मिला करके मैंने एक चम्मच काला नमक ऐड किया है। कर लें देख सकते हैं, इधर मैंने दो चम्मच पानी डाल करके मैंने अभी के लिए डाले हैं। अभी डालेंगे तो ये पूरा जो है वो टूटने लगेगा। जब मैं उसे मिक्स करूँगी कढ़ाई में, तो इसलिए आप भी अधिक न डालें, उसको आप ऐड कर सकते हैं। उसमें कर लें मिक्स करें उसको अच्छे से, इसको ऐसे आप मिक्स करें अच्छे से। अच्छे खिले 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 लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। बेटा टाइम है इसलिए मैं सब्जी बना रही हूँ, और इसमें मैंने मूँगफली भून के रखे थे उसे आप इसमें ऐड कर ले। ये आपका ब्रेकफास्ट तैयार हो चुका है। आप इसे गैस ऑन कर ले, तो सॉरी ऑफ कर दे, और आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें। अभी गैस जहाँ तक सर्व कर, आप देख सकते हैं कितने अच्छे नाश्ते बन चुके हैं। सुबह के नाश्ता के यही पड़ोसी है, और अपने बच्चों को खुश कीजिए, बच्चों को खुश कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।